नमस्कार, मैं हूँ सुकांति। सुकांति के किचन में आप लोगों को स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक, बैंगन, आलू की सब्जी। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और इंजॉय करिए। आइए तो हम शुरू करते हैं पालक, आलू और बैंगन की सब्जी बनाने के लिए। अभी हम कढ़ाई रख देंगे, गैस ऑन कर दिया। कढ़ाई गर्म होने तक, कढ़ाई गर्म करते हैं तब तक मैं आप लोगों को पालक के लिए बनाने के लिए क्या क्या लिया है वो दिखा देती हूँ। पालक धो के अच्छे से कट के रखा है मैंने, और दो आलू कटी हुई और बैंगन काट के रखा है, और कटी हुई प्याज, एक प्याज ले लिया था। लहसुन कूट के 6-7 दाना ले लिया है। हरी मिर्च 2 कट के ले लिया है। थोड़ी सी हींग और 5 फड़न मसाला, और हम ये जो लाल मिर्ची साबुत वाला सूखी वाली वो डालेंगे। और आइए तो आप शुरू करते हैं। कढ़ाई गरम हो चुका है, अब हम तेल डाल देंगे। तेल डाल दिया, अब हम तेल गरम होने देते हैं। तेल गरम हो चुका है, अब हम पचफोरन डाल देंगे। साबुत मिर्च डाल देंगे, लाल मिर्च की सूखी वाली, थोड़ी सी हींग डाल देंगे, अब लहसुन डाल देंगे। आप लोग अदरक पसंद करते हैं तो अदरक भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से चला देंगे, इसको भून जाएगा तब हम प्याज डालेंगे। लहसुन अच्छे से भून गया है, गर्म हो गया है। अब हम जो प्याज बारीक बारीक काट रखा था उसको डाल देते हैं, अच्छे से मिला देंगे। प्याज के साथ ही मैं कटी हुई आलू जो कट के रखा था उसको डाल देंगे। अच्छे से मिला देंगे, चुटकी भर हल्दी डालूंगी। अब हम देखेंगे, आलू को थोड़ा चेक करते हैं, थोड़ा हल्का पकने देते हैं इसको। हो गया है हल्का, इसका जो कच्चापन है वो चला गया है। तो हम अभी पालक डालेंगे इसमें। पालक साग को डाल दिया, इसको मिला देंगे। अच्छा, मैंने नमक अभी डाला नहीं, पालक में बहुत पानी होता है तो थोड़ा पानी, पालक साग की जो पानी है उसको सुखा लेंगे थोड़ा, तब हम नमक डालेंगे इसमें। इस तरह मिला देंगे। अच्छा, बैंगन ना साथ में नहीं डालना है, बैंगन बहुत जल्दी पक जाती है। तो अभी एक बार ढक दूंगी, 2-3 मिनट इसको पकने दूंगी, उसके बाद बैंगन को डालूंगी।
आइए चेक करते हैं सब्जी को, अच्छे से भाप आ गया है। इसको दोबारा मिला देंगे, इसको दो दो सेकंड, दो दो मिनट, मतलब दो तीन मिनट में इसको अच्छे से पकाना है। तो आलू थोड़ा पक जाएगी तो, गल जाएगी तो बैंगन डाल देंगे। पालक साग भी बहुत जल्दी पकता है, बहुत हेल्दी और टेस्टी बनता है। आलू बैंगन पालक और डाल के सब्जी बनाओ तो एक बार आप लोग भी ट्राई करना। जैसे मैं दो मिनट के लिए ढक देती हूँ और धीमे आंच में पकने देंगे इसको। आइए आप भी जो कटा हुआ बैंगन मैंने छोटे छोटे थोड़ा बड़ा बड़ा पीस में काट दिया है, बैंगन डाल दूंगी अभी साग में। मिला देंगे अच्छे से, इसको चला देंगे इस तरह। अब हम इसमें नमक भी डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसको हम अच्छे से चला देंगे अभी। दो मिनट तक ढकेंगे इसको, फिर चेक करेंगे, पकने देते हैं दो मिनट तक, देखते हैं चेक करके। हाँ, और थोड़ा स्टीम आ रही है अच्छे से सब्जी का। इसको अच्छे से चला देंगे हम। दो मिनट ढकेंगे इसको। दो मिनट हो चुका है, अभी देखते हैं, चेक करते हैं कितने कैसे पका है। तो इसको अच्छे से चेक करते हैं इस तरह। देखिए बैंगन भी गलने वाला है, तो बैंगन को ज़्यादा गलाएंगे नहीं। साग भी खुले खुले रहेगा और आलू भी खुले खुले रहेगा। तो अब हम इसमें और थोड़ा टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने बड़ा टमाटर ले लिया था, उसको काट के रखी हूँ। देखिए मैंने इसको टमाटर में डाल दिया। इसको हम अच्छे से मिला देंगे इसको टमाटर को। इस तरह कितना बढ़िया सब्जी तैयार हो रही है। फिर एक मिनट के लिए ढक देंगे इसको। आइए तो सब्जी को चेक करते हैं, एक मिनट हो चुका है। देखिए कितना बढ़िया सब्जी तैयार हो रहा है। गैस को थोड़ा हाई कर दिया, तेज कर दिया मैंने। इसको अच्छे से मिला देंगे। टमाटर भी गलने लगा है और थोड़ा सा गलेगा। इसको खुले आंच में अभी पकाएंगे। आलू अच्छे से गल गया है, बैंगन भी गल गया है। ये देखिए थोड़ा पानी है तो पानी को सूखने देंगे अभी। और नमक देख लेते हैं ठीक है कि नहीं। बहुत बढ़िया सब्जी बनके तैयार हो गई है। और थोड़ा सा पानी सूखने तक इसमें पकाएंगे, ड्राई होने देंगे। देखिए सब्जी ड्राई होने लगा है पानी सब्जी में से। और थोड़ा इसको मिला देंगे। बीच बीच में सब्जी को चलाते रहना है, ध्यान रखना है ताकि सब्जी नीचे से चिपके नहीं। देखिए कितना अच्छे से सब्जी तैयार हो गया है। आलू बैंगन
और पालक की बहुत स्वादिष्ट बनती है, आप लोग जरूर ट्राई करिए इस तरह बनाने के लिए, बनाएं खाएं और इंजॉय करिए। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है सब्जी देख के, और टेस्ट भी बहुत अच्छी आया है बिना मसाला की, सिर्फ पाँचफोरन मसाला में तड़का लगा कर एक प्याज और थोड़ा सा लहसुन दो हरी मिर्च सिर्फ डाला है। तो आप लोग भी इसी तरह बनाएं। सब्जी को और चला देते हैं, सब्जी बन के तैयार हो गया एकदम परफेक्ट। देखिए आज हम इसको एक बाउल में निकाल देंगे, गैस बंद कर देते हैं। कितना बढ़िया सब्जी बन के तैयार हो गया है। बस मैंने सब्जी बाउल में निकाल दिया है। और आज की रेसिपी कैसे लगा, पालक आलू बैंगन की सब्जी, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। आज की रेसिपी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बहुत से बहुत सारे शेयर कर दीजिए ताकि मुझे अच्छा लगेगा। और वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।